Welcome to Shah Driving School. आज जो मैं आपको बताऊंगा ये जो नया 4th of December से टेस्ट स्टार्ट हुआ है इसमें क्या चीज़ें हैं इसमें 3.10 नहीं है रिवर्स राउंड द कॉर्नर नहीं है ऐड उन्होंने क्या किया है इसमें टॉम इंडिपेंडेंट ड्राइविंग जो आप पहले 10 मिनट करते थे अब आप 20 मिनट करेंगे पहले वो आपको डायग्राम शो करते थे अब आप टॉम को फॉलो करोगे अगर कोई टॉम कभी कभी आवाज नहीं आती या सिग्नल लॉस्ट हो जाता है एग्जामिनर जो है आपको कहेगा टर्न लेफ्ट हो जो राइट हो जो वही अगर आप रॉन्ग टर्न ले लेते हो तो फेल नहीं है मिस टर्न कर देते हो तो फेल नहीं है कोई सही कोई बड़ी बात नहीं टॉम उसे बेस्ट है बल्कि वो अच्छा है बल्कि 20 मिनट एग्जामिनर चुप बैठा हुआ है आप बस उसे फॉलो करते रहो कहाँ पे जाना है पहला पार्किंग वही जैसे पहले होती थी बे पार्किंग जिन जिन की टेस्ट सेंटर की अपनी बे पार्किंग है उसके अंदर वो आपको रिवर्स पार्किंग करवाएंगे ड्राइव इन हर टेस्ट सेंटर नहीं करवाएगा क्योंकि किसी के पास शॉपिंग सेंटर दूर है किसी पास बहुत बिजी है तो वो वहाँ पर जाकर अपना टाइम नहीं ज़ाया करेंगे कि आप शॉपिंग सेंटर जाते वक्त 10-10-15-15 मिनट अंदर लग जाए जिनके पास इजी सिंपल सी है जैसे कोई भी हो सकती है तो आपको वो करवा लेंगे तो उस शॉपिंग सेंटर की जो बे पार्किंग होगी वो ड्राइव इन होगी कहेगा ड्राइव इन टू द बे आप ड्राइव इन करोगे फिर कहेगा रिवर्स आउट फ्रॉम द बे रिवर्स आउट करोगे फिर आपको उसका फॉलो एग्जिट का साइन फॉलो करना होगा या वो खुद ही बता देंगे जो नेक्स्ट वाला है कोई पुल अप ऑन द राइट कहेगा जैसे आप कहते हैं ना ये बेसिकली याद रखो ये कोई एक्सरसाइज नहीं है पुल अप ऑन द राइट ये एक मनूवर है ठीक है ना जैसे आप टर्निंग ऑन द रोड पैरेलल पार्किंग रिवर्स राउंड द कॉर्नर करते थे ना ये टर्निंग ऑन द रोड और रिवर्स राउंड द कॉर्नर निकाल कर इन्होंने पुल अप ऑन द राइट किया है कहेगा पुल अप ऑन द राइट सेव एंड कन्वीनियंस अगर जगह नहीं है तो कहेगा पुल अप ऑन द राइट डोंट वरी अबाउट द ड्राइवे ट्रीट एज अ नॉर्मल कर्व तो आप पुल अप ऑन द राइट करो बिल्कुल कर्व के साथ टच करने की जरूरत नहीं जो आपको कहते हैं कि वो आप 1 फुट तक दूर जा सकते हो कर्व के वो फेल नहीं है बस ये ध्यान में रखना है उससे अच्छा है ना कर्व को हिट करने से तो अच्छा है ना 1 फुट बंदा दूर चला जाए फिर कहेगा रिवर्स बैक टू कार्स उसमें क्या है कि आपने रिवर्स बैक करना है वही जैसे स्ट्रेट लाइन रिवर्सिंग करते हैं आप लेफ्ट से करते हो यहाँ पे राइट पे करें मेन जो चीज़ है देखते रहें पीछे राइट डोर मिरर आप यूज़ कर सकते हो फाइन कोई प्रॉब्लम नहीं लॉन्गेस्ट आप बाकी की रूटीन ऑब्जर्वेशन बाकी करते रहें बेस्ट तरीका होता है हर 2 सेकंड 3 सेकंड के बाद देख लें राइट शोल्डर पे कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा कभी कभी जगह नहीं होगी कहेगा पुल अप ऑन द राइट आपके सामने गाड़ी खड़ी हुई है तो कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं गाड़ी के पास खड़ी करके दो रिवर्स गाड़ी पीछे कर दें अगर आपका व्यू ब्लॉक है तो एग्जामिनर आपकी हेल्प करेगा वो खुद ही कहेगा ओके होल्ड एन ग्रेस कार कमिंग वो कार नहीं आ रही या आ रही वो आपकी हेल्प करेगा ऐसा नहीं आपको कहेगा कि आप चले जाओ और तो मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जो लोग काफ़ी स्केयर्ड हैं बल्कि ये टेस्ट ज़्यादा इजी है बनिस्बत पुराने वाले से थैंक यू वेरी मच थैंक्स फॉर विजिटिंग शाह ड्राइविंग स्कूल प्लीज़ अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे लिख दिया करें क्या कोई क्वेश्चन हो कोई पूछना हो कोई चीज़ की ना समझ आ रही हो Thank you.